रेडियो हिंदुस्तान की वैलेंटाइन स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं मनीषा करने आई हूँ दिल की बात आपके साथ, और आज सुनाने जा रही हूँ अपनी कविता जो शायद कह रही है आपके दिल की भी बात। टुडे द हार्ट इज ब्रिम्ड अप विद इमेंस लव। कहीं पढ़ा था मैंने, दुनिया बचाने के लिए जरूरी है बारिश जैसी लड़कियों को रेगिस्तान जैसे लड़कों से प्यार होना चाहिए। मैंने ये भी सुना कि दुनिया बचाना भगवान के ही बस में है। माने तो भगवान सच्चे प्रेम में ही बसते हैं, और जहाँ प्रेम है भगवान है वहीं सृजन है। लोग प्रेम को छोड़ पैसे को तरजीह दे रहे, इसीलिए दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही। लेकिन भगवान है दुनिया में और प्रेम भी, बारिश जैसी लड़कियां भी और रेगिस्तान जैसे लड़के भी, झरने झील नदी जैसी चंचल लड़की अपने प्रेम की लहरों से पर्वत जैसे लड़के पर अपने अमिट निशान छोड़ ही जाएगी। लड़का चाहे जितना पत्थर दिल हो, अनंत अमिट समुन्दर जैसे गहरे प्रेम से सराबोर होकर जन्म देगा एक नए प्रेम की धारा को, जो धरती के सारे विष की ताप को हर लेगी, गंगा की तरह पुण्य स्रोत बनेगी और धरती और आकाश के मिलन की साक्षी बनेगी। अनंत अनंत युगों तक ये प्यार की दास्तां यूं ही चलती रहेगी। राम सीता राधा कृष्ण शिव पार्वती के प्रेम से ये दुनिया अमृत पीकर अमरत्व प्राप्त करती रहेगी। बारिश जैसी लड़की जो खुद फना हो जाती है मिट्टी में, धरती पर फूल उगाने के लिए आकाश का संदेश बन धरती में समा जाती है। उसका खामोश अनंत प्रेम बनकर फूल और हरियाली धरती को सजाता है खूबसूरत दुल्हन जैसी, जिसकी खुशबू फैलती है फिजाओं में, जो घुली रहती है सुहानी हवाओं में। बारिश जैसी लड़की अपने इश्क और अशकों को बारिश में भिगाकर देती है खुशियों का पैगाम, सृजन का वाहक बन जीवन देती है औरों को। बारिश जैसी लड़की का प्यार होता है अनमोल। मिलो न मिलो उसको, मिलो न मिलो उसको, बस उस अनमोल प्यार को सहेज कर लेना संभाल, क्योंकि बारिश जैसी लड़की है ईश्वर का अनमोल उपहार। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी होगी। वैलेंटाइन डे पर रेडियो हिंदुस्तान लेकर आया है आपके लिए अनुपम अनमोल उपहार, प्यार से भरे हुए। तो सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।